इस वीडियो में हम देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवा शासन। सबसे पहले हम देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो देखिए, मैंने बताया था कि शिवाजी के दो पुत्र थे, उनके बड़े पुत्र थे संभाजी और छोटे थे राजा राम। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा पुत्र होगा उसे ही पिता के बाद साम्राज्य प्राप्त होगा, मतलब कि गद्दी प्राप्त होगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिए कि जो संभाजी थे ये बड़े ही क्रोधी अभिमानी किस्म के व्यक्ति थे, मतलब कि इनका जो स्वभाव था अभिमानी घमंडी क्रोधी प्रवृत्ति के थे और ये बड़े ही भोग विलासी थे, या फिर हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में कि संभाजी जो है काफी बिगड़ैल थे, बिगड़ चुके थे। तो इस कारण से जो है शिवाजी ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। और जब शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में, तो अब देखिए उस समय जो संभाजी थे पन्हाला के किले में कैद थे। तो ऐसे में जो है राजा राम जो कि उस समय मात्र 10 वर्ष के थे, तो जो राजा राम की जो माता थी सायरो बाई, देखिए शिवाजी ने सबसे पहले साई बाई निम्बालकर से विवाह किया, उसके बाद जो है सायरो बाई से विवाह किया। तो ये जो राजा राम है सायरो बाई के पुत्र थे। तो सायरो बाई ने अपने पुत्र राजा राम को जो कि उस समय 10 वर्ष का था 1680 में उसको छत्रपति घोषित कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद संभाजी जो कि पन्हाला के किले में कैद था वो वहां से निकलकर भाग आया कैद से और आ गया राजधानी रायगढ़ में, क्योंकि रायगढ़ उस समय राजधानी थी। और वापस आकर उसने जो है राजा राम को गद्दी से हटा दिया और खुद छत्रपति बन गया, मतलब कि खुद गद्दी पर बैठ गया। तो याद रखना है आपको, शिवाजी के बाद बस थोड़े समय के लिए राजा राम छत्रपति बना था, लेकिन उसको अपदस्थ करके बाद में संभाजी जो है 1680 से 1689 तक मराठा छत्रपति रहेगा। बस आपको ये बस इतना ही याद रखना है कि राजा राम जो है शिवाजी के बाद कुछ ही समय के लिए शासक था। अब हम देखते हैं संभाजी के बारे में। तो संभाजी अब राजा राम को हटा करके छत्रपति बन गए। इनका जो शासन काल है 1680 से लेकर के 1689 तक, इन्होंने नीलोपंत को अपना पेशवा नियुक्त किया। नीलोपंत मैं यहां लिख देता हूं, नीलोपंत संभाजी के पेशवा थे। और संभाजी ने उज्जैन के एक कवि जिनका नाम था कलश, जो कि हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उनको अपना सलाहकार नियुक्त किया। याद रखेंगे कवि कलश, कवि कलश जो कि हिंदी व संस्कृत के महाविद्वान थे, इनको जो है संभाजी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। अब देखिए, इधर मराठे तो थे ही थे महाराष्ट्र में, उधर जो है मुगल शासक औरंगजेब भी था, उसका भी शासन चल रहा था और जो मुगल और मराठा दोनों के बीच शत्रुता चली आ रही थी। अब इसी बीच क्या हुआ कि औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर, अकबर द्वितीय, उसने जो है अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और भाग कर आ गया महाराष्ट्र में। और यहां जो है संभाजी ने अकबर द्वितीय को अपने राज्य में शरण दिया, मतलब कि अपने यहां छिपा लिया। अब जब इस बात की जानकारी औरंगजेब को चली तो वो जो है बहुत क्रोधित हो गया और उसने जो है अपने सिपाहियों को भेज दिया संभाजी को पकड़ने के लिए, मतलब कि मराठों के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये लगभग 1685 की बात है, डेट आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो 1685 से लेकर के 1689 तक मुगल जो है मराठों के ऊपर काफी आक्रमण करते हैं और 1689 में मुगल सेना जो है संभाजी और उसके सलाहकार कवि कलश को पकड़ लेती है, कब 1689 में, और दोनों को जो है मार दिया जाता है मुगलों के द्वारा। अब यहां एक चीज ध्यान देंगे कि जो संभाजी है उसको मार करके उसकी खाल में भूसा भर दिया जाता है। इस हत्याकांड को इतिहास का सर्वाधिक बर्बरता पूर्वक किया गया हत्याकांड माना जाता है। अब देखिए, संभाजी मारे गए, अब कौन बनेगा मराठा शासक? तो अब जो है संभाजी के छोटे भाई राजा राम, ये जो है मराठा छत्रपति घोषित होते हैं, मतलब कि मराठा छत्रपति बनते हैं राजा राम। लेकिन औरंगजेब वो जो है अभी भी लगा हुआ है मराठों का अंत करने में, और वो जो है औरंगजेब दक्षिण में ही डेरा डाल लेता है, मराठों का अंत किसी भी हाल में करना ही करना है। इस समय तक जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा जैसे राज्य जो है मराठों के सामने झुक चुके थे, उनके अधीन हो चुके थे। केवल और केवल दक्षिण में जो है एकमात्र मराठे ही रह गए थे जो मुगलों की अधीनता अभी तक स्वीकार नहीं की थी। तो इनको परास्त करने के लिए, इनका दमन करने के लिए औरंगजेब ने दक्षिण में ही डेरा डाल लिया। अब देखते हैं राजा राम। तो राजा राम जो है मराठा छत्रपति बन गया। अब औरंगजेब क्या करता है, मराठों को कुचलने के लिए अपना एक सेनापति जुल्फीकार खां को भेजता है रायगढ़ में आक्रमण करने के लिए, क्योंकि रायगढ़ जो है इस समय तक मराठों की राजधानी थी। अब देखिए, मैंने यहां लिखा है येसुबाई, ये जो येसुबाई है ये संभाजी की पत्नी थी। अब यहां क्या होता है कि जैसे औरंगजेब का जो सेनापति जुल्फीकार खां रायगढ़ में आक्रमण करता है, तो ये जो येसुबाई
क्या करती है, राजा राम को रायगढ़ के किले से सुरक्षित बाहर निकाल देती है और खुद मराठा सेना का नेतृत्व तो अपने हाथ में ले लेती है और जुल्फिकार खां से युद्ध करती है। तो देखिए यहाँ येसुबाई ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने जो छत्रपति है उसको बचाना पहला अपना कर्तव्य समझा, जबकि जब संभाजी शासक थे, छत्रपति थे, उस समय जो है राजा राम अपनी माता सायरोबाई और अपने साथियों के साथ मिलकर के संभाजी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता था, लेकिन फिर भी येसुबाई ने अपने छत्रपति मराठा शासक को बचाना अपना कर्तव्य समझा। तो राजा राम जो है यहाँ बच जाते हैं, रायगढ़ से निकल जाते हैं, लेकिन येसुबाई जो है जुल्फिकार खां के सामने टिक नहीं पाती है और मुगलों के हाथ लग जाती है, मतलब कि मुगल जो है येसुबाई को पकड़ लेती है और रायगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। अब मुगल क्या करते हैं, येसुबाई और उसके पुत्र साहू, बहुत महत्वपूर्ण है साहू भी, आगे इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो साहू है संभाजी और येसुबाई का पुत्र है साहू, तो येसुबाई, साहू जी और ये येसुबाई के जो विश्वस्त जो साथी होते हैं उन सबको कैद कर लिया जाता है मुगलों द्वारा। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1689 में येसुबाई, साहू जी और उनके कुछ साथियों को मुगलों द्वारा कैद कर लिया जाता है। अब जो है रायगढ़ मुगलों के अधीन हो गया, जो कि मराठों की राजधानी थी। अब राजा राम क्या करते हैं, सतारा पहुंचते हैं और सतारा को अपनी राजधानी बनाकर वहां से शासन करने लगते हैं। इस बीच जो है औरंगजेब फिर से मराठों के ऊपर आक्रमण करता है, मतलब कि दोनों के बीच जो है लड़ाइयां चलती रहती है। इसी बीच जो है 1700 में राजा राम भी मर जाते हैं, मतलब कि राजा राम का भी देहांत हो जाता है, जिस समय उनकी आयु मात्र 30 वर्ष की होती है। अच्छा, राजा राम का जो शासन काल था 1689 से 1700 ईस्वी तक। अब 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। अब देखिए जो संभाजी का जो पुत्र है साहू जी उसको मुगल उठाकर ले गए, इधर जो है राजा राम की पत्नी ताराबाई और उनका जो पुत्र है शिवाजी द्वितीय, तो शिवाजी द्वितीय ही बचते हैं शासक बनने के लिए, लेकिन शिवाजी द्वितीय जो है इस समय मात्र 4 वर्ष के होते हैं 1700 में, जब राजा राम की मृत्यु होती है, काफी छोटे होते हैं, 4 वर्ष के होते हैं शिवाजी द्वितीय। अब देखिए यहाँ क्या करती है, ताराबाई शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करती है, उसको छत्रपति घोषित करती है और खुद उसकी संरक्षिका के रूप में शासन करती है। जिस प्रकार से येसुबाई ने बड़े अदम्य साहस का परिचय दिया था, ठीक उसी प्रकार से ताराबाई के नेतृत्व में भी मराठा साम्राज्य फिर से फलने फूलने लगा। जो भी मराठों के क्षेत्र थे जो मुगलों ने छीन लिया था उसको जो है कई क्षेत्रों को जो है ताराबाई के नेतृत्व में वापस प्राप्त किया गया। अब देखिए मुगल इस समय भी चुप नहीं थे, औरंगजेब लगाई हुआ था मराठों का दमन करने के लिए। और इसी बीच 1707 में, 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसका सपना था कि वो मराठों का अंत करे, जो कि कभी पूरा ही नहीं हो पाता है, वो सपना लेकर ही ऊपर चला जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, औरंगजेब के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह मुगल शासक बनता है। तो औरंगजेब का एक पुत्र था आजम शाह, तो आजम शाह क्या करता है, साहू को मुगल कैद से आजाद कर देता है। साहू जिसको कि 1689 में मुगल उठा कर ले गए थे, साहू और उसकी माता येसुबाई को और दूसरे मराठों को उठाकर अपने साथ ले गए थे, कैद में रखे थे, तो 1707 में साहू को जो है रिहा कर दिया जाता है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह द्वारा। कई सारे इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि बहादुर शाह ने इसको रिहा किया था, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 1707 में साहू मुगल कैद से रिहा हो गए। अब 1707 में ये रिहा हो गए साहू और ये वापस आते हैं महाराष्ट्र, उस समय राजधानी कौन थी, सतारा। तो ये जो है साहू जी सतारा पहुंच जाते हैं और सतारा में इस समय किसका शासन था, मतलब कि मराठा शासक कौन था इस समय, शिवाजी द्वितीय, जिसकी माता ताराबाई संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। अब जो ताराबाई है साहू जी की चाची हुई, तो साहू जो है अपनी चाची ताराबाई के पास जाता है, उनसे मिलता है कि भाई मैं भी तो इसी वंश का हूं, मुझे भी जो है इस साम्राज्य में थोड़ा हिस्सा चाहिए, लेकिन ताराबाई जो है मना कर देती है। अब साहू जी क्या करते हैं, ताराबाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अब जो है मैदान में ही मुलाकात होगी, यहां पर जो है साहू जी और ताराबाई के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई का नाम आपको याद रखना है खेड़ा का युद्ध, युद्ध का नाम आपको याद रखना है खेड़ा का युद्ध। कब लड़ा गया था, 1707 में, एक तरफ थे साहू जी और दूसरे तरफ थे ताराबाई, तो इन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें ताराबाई जो है हार जाती है। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो साहू जी है इनका साथ दिया था बालाजी विश्वनाथ ने, तो याद रखेंगे बालाजी विश्वनाथ ने खेड़ा के युद्ध में साहू जी का साथ दिया था। ये जो बालाजी विश्वनाथ है आगे चल करके मराठा साम्राज्य के पेशवा बनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है बालाजी विश्वनाथ, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो अब जो है यहाँ ताराबाई हार जाती है, साहू जी जीत जाते हैं
और जो है मराठा शासक अब कौन बन जाते हैं, साहू जी। शिवाजी द्वितीय को अपदस्थ कर दिया जाता है। साहू जी अब क्या करते हैं, ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर का क्षेत्र दे देते हैं कि आप लोग जो है वहां शासन करिए, वहां रहिए। इसके बाद जो है साहू का शासन शुरू होता है, मतलब कि साहू जी जो है छत्रपति बन जाते हैं। अब देखिए, बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से साहू ने खेड़ा का युद्ध जीता था, मतलब कि मराठा छत्रपति बने थे बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से। तो 1713 में क्या करते हैं साहू जी, तो 1713 में साहू क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त करते हैं। यहां से जो है सारा चीज बदल जाएगा। अब जो है जो छत्रपति है, जो भी छत्रपति है, मतलब कि जो मराठा शासक है, उसकी स्थिति अब जो है यहां से कमजोर होना शुरू हो जाएगी और जो है सत्ता का जो केंद्र है वो पेशवा होने लगेगा, मतलब कि सारी शक्ति जो है पेशवा में केंद्रित होने लगेगी और जो छत्रपति है वो कमजोर होता चला जाएगा, मतलब कि बिल्कुल महत्वहीन, नाम मात्र का हो जाएगा। तो ये थे शिवाजी के उत्तराधिकारी। अब हम देखेंगे पेशवा, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जिसको कि छत्रपति साहू ने 1713 में अपना पेशवा नियुक्त किया था, जो कि 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक अपनी मृत्यु तक साहू जी के पेशवा रहेंगे। कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे और बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। ये कर व्यवस्था के संबंध में बहुत अधिक जानकारी रखते थे। 1699 से लेकर के 1702 तक कई क्षेत्रों के सूबेदार रहे थे बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद 1707 में जब साहू जी मुगल कैद से वापस आते हैं और ताराबाई के साथ खेड़ा का युद्ध लड़ते हैं, तो इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अथवा हम ये कहें कि जो खेड़ा का युद्ध है उसकी जीत का श्रेय बालाजी विश्वनाथ को ही जाता है, मतलब कि बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ही साहू जी ने खेड़ा का युद्ध को जीता और उसके बाद जो है मराठा छत्रपति बने। बालाजी विश्वनाथ की योग्यता को ही देखते हुए 1713 में छत्रपति साहू ने इन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया। जैसा कि मैंने बताया कि बालाजी विश्वनाथ बहुत ही योग्य व्यक्ति थे और इन्होंने अपनी योग्यता के दम पर मराठा शक्ति को पुनर्स्थापित किया, जो कि शिवाजी के बाद से जो है थोड़ी धूमिल पड़ गई थी। तो जो बालाजी विश्वनाथ है इनको जो है मराठा शक्ति का पुनर्स्थापक भी कहा जाता है, अथवा मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ही साहू की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई। 1719 में साहू जी के नेतृत्व में बालाजी विश्वनाथ ने मुगल शासक फर्रुख सियर के साथ एक संधि की, मतलब कि एक समझौता की, और ये जो संधि है बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ही संपन्न हो सकी। और ये जो संधि था ये मराठा साम्राज्य के लिए, मराठा शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। तो इस संधि की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली शर्त ये थी, शिवाजी ने अपने समय जो क्षेत्र जीता था उन क्षेत्रों को मुगलों ने जो है छीन लिया था मराठों से, तो वो सारे क्षेत्र जिनको कि शिवाजी स्वराज कहा करते थे, तो वो सारे क्षेत्र वापस साहू जी को देने थे मुगलों को। अगली शर्त ये थी कि हैदराबाद, गोंडवाना, खानदेश, बरार और कर्नाटक के ऐसे नवीन क्षेत्र जिनको मराठों ने जीता था और बाद में मुगलों ने मराठों से छीन लिया था, तो उनको भी जो है मुगलों को, मराठों को वापस देना था। देखिए, शिवाजी के समय जितना भी क्षेत्र शिवाजी ने जीता था वो सारे क्षेत्र मुगलों को जो है साहू जी को वापस करने थे, और जो नवीन क्षेत्र जो मराठों ने जीता था और फिर मराठों से जो मुगलों ने छीन लिया था, तो उन क्षेत्रों को भी जो है मुगलों को, मराठों को देना था संधि की शर्तों के अनुसार। इसके बाद अगली शर्त ये थी कि दक्कन के क्षेत्र में मराठों को चौथ और सरदेश मुखी कर वसूल करने का अधिकार दिया गया। चौथ और सरदेश मुखी क्या है, हमने देखा शिवाजी की शासन व्यवस्था में, तो चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया इस संधि के अनुसार, और बदले में जो है मराठों की ओर से 15,000 सैनिक मुगल सम्राट की सेवा में रखेंगे, ऐसी शर्त रखी गई। तो इसको भी जो है मराठों ने मान लिया। इसके बाद अगली शर्त यह थी कि प्रतिवर्ष मराठों को जो है मुगलों को लगभग 10 लाख रुपए कर अथवा खिराज के रूप में देना था। देखिए, मराठों को जो जितना क्षेत्र मिल रहा था और कर वसूल करने का जो अधिकार मिल रहा था, उसके सामने जो है प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सारी जो शर्तें थी लगभग लगभग मराठों के पक्ष में थी। इसके बाद अगला शर्त ये था कि जो कोल्हापुर में संभाजी रह रहे थे उनको साहू जी तंग नहीं करेंगे। अब ये संभाजी कौन है, तो संभाजी
शिवाजी के पुत्र संभाजी नहीं, देखिए शिवाजी के पुत्र थे संभाजी और राजाराम। ये जो संभाजी है अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो राजाराम की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, संभाजी द्वितीय। देखिए राजाराम की पत्नी थी ताराबाई, इसके अलावा भी राजाराम ने अन्य शादियां की थी। तो राजाराम की दूसरी पत्नी के पुत्र थे संभाजी द्वितीय, जो कि कोल्हापुर में रह रहे थे। तो संधि की शर्तों के अनुसार कोल्हापुर में रहने वाले संभाजी को साहूजी परेशान नहीं करेंगे, तो इसको भी जो है मराठों ने मान लिया। इसके बाद अंतिम शर्त ये था कि मुगलों की कैद में साहूजी की माता और जो दूसरे रिश्तेदार कैद में रह रहे थे उनको जो है मुगल रिहा कर देंगे। तो ये सारी संधि की शर्तें थी। जितनी भी संधि की शर्तें थी ये मराठों के पक्ष में अधिक थी। तो इस कारण से जो है सर रिचर्ड टेम्पल ने इस समझौते को, इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था। मैग्ना कार्टा मतलब कि मराठा साम्राज्य के लिए बहुत लाभकारी। ये किसने कहा था? सर रिचर्ड टेम्पल ने, क्योंकि जितनी भी शर्तें थी मराठों के पक्ष में थी। और ये जो संधि है ये बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ही संपन्न हुई थी, मतलब कि उनके ही कूटनीति के चलते यह संधि संपन्न हुई थी, जिससे मराठा शक्ति जो है काफी मजबूत हुई। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जिनका शासन था 1720 से 1740, ये दूसरे नंबर के पेशवा थे। देखिए जो बालाजी विश्वनाथ है उसको मैंने कहा प्रथम पेशवा, इसलिए प्रथम पेशवा कहा क्योंकि जो बालाजी विश्वनाथ है साहू जी के पैतृक पेशवा थे। शिवाजी ने पेशवा पद की स्थापना की थी। देखिए शिवाजी के अष्ट प्रधान थे, उसमें जो है पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था, लेकिन जो शिवाजी थे उन्होंने अपने अष्ट प्रधान में से किसी भी मंत्री के पद को पैतृक होने नहीं दिया, मतलब कि आनुवांशिक होने नहीं दिया। जो भी व्यक्ति योग्य होगा वह उस पद को प्राप्त करेगा। लेकिन जब साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया, इसके बाद जो है पेशवा का पद पैतृक हो गया, मतलब कि पेशवा का पुत्र पेशवा बनेगा। साहू जी ने क्या किया, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को अपना पेशवा नियुक्त किया। तो इस प्रकार से ये जो पद है आनुवांशिक हो गया और बालाजी विश्वनाथ के बाद से ही जो पेशवा का पद है काफी महत्वपूर्ण होता चला गया, इसलिए जो है इनको प्रथम पेशवा कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम। ये जो है बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू जी ने इनको अपना पेशवा नियुक्त किया। ये जो है बाजीराव प्रथम विस्तारवादी नीति के समर्थक थे। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है और बाजीराव प्रथम के समय ही मराठा साम्राज्य में बहुत अधिक क्षेत्र जीता गया, मतलब कि इसके समय जो है मराठा साम्राज्य में बहुत सारे क्षेत्र शामिल किए गए। देखेंगे हम आगे कौन कौन सा वो क्षेत्र था। शिवाजी के बाद बाजीराव दूसरे ऐसे मराठा थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति और छापामार युद्ध नीति को अपनाया था। जिस प्रकार से शिवाजी गुरिल्ला युद्ध नीति, छापामार युद्ध नीति करते थे, ठीक उसी प्रकार से पेशवा बाजीराव प्रथम भी जो है गुरिल्ला युद्ध नीति और छापामार युद्ध नीति को अपनाया हुआ था। जो छत्रपति साहू जी थे वो बाजीराव प्रथम को बहुत मानते थे, इनके लिए बहुत सारे वो कॉम्प्लीमेंट इनको देते थे। अब देखते हैं बाजीराव प्रथम के कार्य, मतलब कि इन्होंने क्या क्या किया था, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी। तो सबसे पहला है पालखेड़ा का युद्ध, देखते हैं हम पालखेड़ा का युद्ध, जो कि 1728 में दक्कन के निजाम निजाम मुल मुल्क के साथ लड़ा गया था। पालखेड़ा का युद्ध क्या हुआ था कि जो दक्कन का निजाम था निजाम मुल मुल्क, ये जो है मराठों के मध्य मतभेद उत्पन्न कर रहा था, तो इसको जो है सबक सिखाना अनिवार्य हो गया था। इस कारण से जो है बाजीराव प्रथम ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और पालखेड़ा नामक स्थान पर जो है 1728 में निजाम और पेशवा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें निजाम बुरी तरह से हार गया और मुंगी शिवगांव की संधि करने के लिए बाध्य हुआ। तो याद रखेंगे पालखेड़ा के युद्ध 1728 में पेशवा और निजाम के मध्य, इसके बाद कौन सी संधि की गई, मुंगी शिवगांव की संधि, बहुत महत्वपूर्ण है। इस संधि की शर्तों के अनुसार जो दक्कन के क्षेत्र थे वहां पर मराठों को चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल गया, चौथ और सरदेश मुखी जो कर थे वो वसूलने का अधिकार मिल गया दक्कन के क्षेत्र में। अब दक्कन में विजय हासिल करने के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम जो है निकल पड़े गुजरात को जीतने। इस बाद इन्होंने गुजरात को जीता, मालवा को जीता, बुंदेलखंड को भी जीता। देखिए मालवा और बुंदेलखंड कहाँ है, लगभग उत्तर भारत में है, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र है मालवा और बुंदेलखंड, तो वहां तक जो है मराठा साम्राज्य पहुंच गया था। तो देखिए गुजरात मालवा बुंदेलखंड इनको जीता और इन क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया।
अब देखिए बाजीराव प्रथम जो है बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही योग्य थे, अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उनको वो जीत रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, 1737 में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया, और दिल्ली उस समय क्या थी, मुगलों की राजधानी, और उस समय जो है मुगल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखिए 1737 में पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया दिल्ली पर। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। दिल्ली का जो शासक था मतलब मुगल शासक मोहम्मद शाह, वो इतना घबरा गया कि वो दिल्ली छोड़कर भागने के लिए तैयार हो गया था। अगर पेशवा बाजीराव चाहते तो दिल्ली पर अधिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद देखिए पेशवा बाजीराव ने पुर्तगालियों से बसिन और सालसेट द्वीपों को जीता। देखिए इस समय तक जो है भारत में पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी ये सब आ गए थे। 1498 में ही पुर्तगाली भारत में आ गए थे, मुगलों से भी पहले। तो पुर्तगालियों से बसिन और सालसेट द्वीपों को जीता। पेशवा बाजीराव का मस्तानी नामक महिला से प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण वो काफी प्रसिद्ध भी हुए थे। उनकी ये जो प्रेम कहानी थी, और इस पर एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है, बाजीराव मस्तानी। जिस प्रकार से पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को पुनर्स्थापित किया, ठीक उसी प्रकार से पेशवा बाजीराव प्रथम ने भी मराठा शक्ति के विस्तार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके समय में, पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में, मराठा साम्राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों का विलय किया गया, मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्रों को जीता गया। इसके समय में 1740 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है नर्मदा नदी के तट पर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके आगे के जो पेशवा थे उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।